श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने फर्म के संतुलन की व्याख्या के लिए सीमांत लागत एवं सीमांत आय का सहारा लिया। उन्होंने दिखाया कि कैसे मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू के सहारे एक फर्म संतुलन की अवस्था में होता है। तो देखिए, ओ एक्स पर हम एक फर्म की ये ए आर की रेखा है और ये एम आर की रेखा है। दोनों की ढाल ऋणात्मक है। पहले ही हम इसकी विशेषता में बतला चुके हैं कि एकाधिकार में फर्म की मांग की रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है, अर्थात उसकी ढाल ऋणात्मक होती है। ए आर की रेखा को ही हम मांग की रेखा भी कहते हैं और ए आर के अनुरूप ही एम आर की रेखा होगी। अब एकाधिकार के अंतर्गत संतुलन के लिए एकाधिकारी एम सी सीमांत लागत की रेखा एम आर सीमांत आय की रेखा को जिस बिंदु पर नीचे से काटती है उस बिंदु पर फर्म का संतुलन होता है। एम सी एम आर को यहाँ ई बिंदु पर काट रही है तो फर्म का संतुलन उत्पादन ई बिंदु पे होगा और एकाधिकारी फर्म वस्तु की उत्पादन ओ एन वन मात्रा में करता है। अब यहाँ प्रश्न है कि इस मात्रा में ओ एन वन मात्रा में उसका क्या है आउटपुट करता है। अब है कि वो अपने वस्तु की इकाई का प्राइस क्या रखेगा, कीमत का निर्धारण कैसे करेगा। तो कीमत के निर्धारण के लिए यहाँ से हम ऊपर की ओर रेखा करेंगे जो ए आर को यहाँ पी बिंदु पे स्पर्श करता है और एकाधिकारी वस्तु की प्रति इकाई कीमत वो इसको दे दे एम वन निर्धारित करता है। चलिए एम वन नाम दे रहे हैं, ठीक से लिख दे, ओ एम वन निर्धारित करता है। प्राइस कितना यहाँ निर्धारित किया तो ओ एम वन। अल्पकाल में एकाधिकारी को लॉस भी प्राप्त हो सकता है कुछ समय के लिए, तो वो कैसे। सपोज दैट उसकी वस्तु की वो उत्पादन तो कर लिया, मार्केट में अपनी वस्तु की मात्रा को लाया और अचानक वस्तु की मांग घट जाएगी तो उसकी वस्तुएं बिकेगी नहीं। ऐसी अवस्था में उसे हानि भी उठानी पड़ सकती है और यहाँ पे हम लॉस को दिखा रहे हैं। ये दिमाग में रख लेना है कि इस चित्र में हमें दिखाना है कि उसे लॉस प्राप्त हो रहा है। लॉस की स्थिति में एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू होगा। एवरेज रेवेन्यू यहाँ क्या है, एन वन पी या पी एन वन। एवरेज रेवेन्यू क्या है, पी एन वन कहे या एन वन पी कहे, चलिए पी एन वन। तो एवरेज कॉस्ट इससे अधिक होगा। ऐसी अवस्था में कॉस्ट को हम अधिक दिखाने के लिए हम आराम से ऐसे एवरेज कॉस्ट की रेखा खींच सकते हैं जो यहाँ इस बिंदु पे पी वन बिंदु पे मिलती है। यहाँ से ये एम टू हो गई, अर्थात ये चित्र द्वारा स्पष्ट है कि उसे प्रति इकाई पी पी वन के बराबर लॉस प्राप्त हो रहा है तथा कुल वस्तु बेचने पर टोटल लॉस उसे इस क्षेत्र के बराबर प्राप्त हो रहा है। कह सकते हैं कि M2 P1 P M1 के बराबर एकाधिकारी को लॉस प्राप्त हो रहा है क्योंकि यहाँ पी एन वन से ग्रेटर क्या है, P
G1N1। ये एवरेज कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, एवरेज रेवेन्यू कम है, तो यहाँ एकाधिकारी को लॉस प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हम अब दिखाएंगे कि एकाधिकारी अल्पकाल में प्रॉफिट भी कमा सकता है और वो कैसे कमाएगा। तो ये देखिए, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि आपका यहाँ एकाधिकारी वस्तु की कीमत ओपी निर्धारित करता है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को क्यू बिंदु पर काटती है, संतुलन उत्पादन ओ एन मात्रा में निर्धारित होता है एवं प्रति इकाई मूल्य जो है ओ पी निर्धारित होता है। अब आगे हमें देखना है कि इस कीमत पे अल्पकाल में एकाधिकारी को क्या प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ दिखाना है कि उसे प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। तो प्रॉफिट दिखाने के लिए हमें क्या करना है कि एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होगा। इसे क्या करेंगे कि अब एवरेज रेवेन्यू यहाँ एन ई के बराबर है, तो इससे एवरेज कॉस्ट को छोटा होना चाहिए, कम नीचे होना चाहिए इसकी दूरी। तो ई एंड क्यू के बीच एक पॉइंट लीजिए आराम से और एवरेज कॉस्ट की रेखा खींचिए। खींचते समय ध्यान रखना है कि जहां एवरेज कॉस्ट, देखिए ऐसे, ये मार्जिनल कॉस्ट से यहाँ पे मिलने के बाद ये यहाँ से डाउन जाने के बाद ये बढ़ने लगती है, ये एवरेज कॉस्ट की रेखा है। ठीक है, अगर हम यहाँ इस प्रॉफिट को, चलिए तो एवरेज कॉस्ट की रेखा है और इस तरह एवरेज कॉस्ट की रेखा को ऐसे बनाइए कि वो यहाँ से जाए और ये जो है ई क्यू के बीच एक पॉइंट से काट रहा है, इसका नाम हम दे दे ई वन और यहाँ से यहाँ मिला दे तो ये हो गया पी वन। ठीक है, तो हाँ आराम से देखिए ध्यान से कि यहाँ एवरेज कॉस्ट क्या है, ओ पी वन या एन ई वन। एवरेज रेवेन्यू क्या है, ओ पी या एन ई। तो ये जो क्षेत्र है पी ई ई वन पी वन, इस क्षेत्र के बराबर एकाधिकारी फर्म को कुल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। टोटल यहाँ प्रॉफिट का ये क्षेत्र है। अब इसे हम क्या लिखेंगे, लिखने के समय आराम से लिखिए कि अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म को प्रॉफिट भी प्राप्त हो सकता है। इस चित्र से स्पष्ट है कि एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। फिर बताइए कि एवरेज रेवेन्यू क्या है, तो लिखिए ओ पी या एन ई। लिखिए एवरेज कॉस्ट इक्वल टू ओ पी वन या एन ई वन। फिर क्या है कि ओ पी इज ग्रेटर देन ओ पी वन या इसे ऐसे लिख सकते हैं एन ई इज ग्रेटर देन एन ई वन। प्रॉफिट पी, टोटल प्रॉफिट यहां लिख दे रहे हैं पी ई ई वन पी वन के बराबर प्राप्त हो रहा है। ये हुआ एकाधिकारी फर्म का अल्पकाल में प्रॉफिट। अब हमें दिखाना है कि एकाधिकारी को अल्पकाल में नो प्रॉफिट नो लॉस की भी प्राप्ति हो सकती है। नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होगा और इसे हम चित्र में स्पष्ट करेंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस को दिखाएंगे
क्या दिखाना है? नो प्रॉफिट नो लॉस। कैसे प्राप्त हो रही है? तो देखिए यहाँ तक तो समझ चुके हैं कि फर्म का इक्विलिब्रियम उत्पादन क्यू बिंदु पे है, ओ एन मात्रा में उत्पादन कर रहा है और मूल्य एन ई है क्योंकि एन ए आर रेखा से ये बिंदु पर मिलती है। और हम यहाँ आ जाए तो मूल्य ओ पी निर्धारित कर रहा है। अब हमें देखना है कि फर्म को नो प्रॉफिट नो लॉस कैसे प्राप्त होगा। तो नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट की तुलना करेंगे और दोनों इक्वल होगा, यानी एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, तो नो प्रॉफिट नो लॉस प्राप्त हो रहा है होगा। तो एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे ऑलरेडी एन ई के बराबर है, एन ई कहे या ई एन आप कुछ भी बोल सकते हैं के बराबर है। हम यहाँ एवरेज कॉस्ट को भी इतने बराबर करेंगे तो एक एवरेज कॉस्ट की रेखा खींचेंगे जो इसी बिंदु पे मिलते हुए ऐसे, ये एवरेज कॉस्ट की रेखा है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट भी इसी बिंदु पे मिल रही है तो हम कहेंगे कि एवरेज कॉस्ट भी ई एन के बराबर है। तो यहाँ फर्म को नो प्रॉफिट नो लॉस की प्राप्ति हो रही है। इस तरह एकाधिकार के अंतर्गत फर्म को प्रॉफिट लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस तीनों में से कुछ भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में एकाधिकारी को हमेशा प्रॉफिट ही प्राप्त होगा क्योंकि वह मार्केट में अकेला उत्पादक है, वस्तु का अकेला विक्रेता है। और इसलिए जब दीर्घकाल में हम फर्म के संतुलन की व्याख्या करेंगे तो इस चित्र को ही दिखाएंगे और वहाँ पे हम लॉन्ग रन, चूँकि लॉन्ग रन में दिखा रहे हैं इसलिए हम एल ए आर एल एम आर एल एम सी एल ए सी लॉन्ग रन के लिए हम एल जोड़ देंगे और थोड़ी सी ये जो एवरेज कॉस्ट की रेखा है, मार्जिनल रेवेन्यू की रेखा है, थोड़ी सी चपटी होगी जिस तरह की पूर्ण प्रतियोगिता के मार्केट में होती है। दोनों में अंतर ये है कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में दीर्घकाल की अवधि में फर्म को नो प्रॉफिट नो लॉस की प्राप्ति होगी, लेकिन यहाँ क्या होगा कि एकाधिकार में दीर्घकाल की अवस्था में उसे प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। तो हम प्रॉफिट का चित्र बनाएंगे क्या, जैसा देखिए प्रॉफिट के लिए पिछला ही जाइए, इसके पहले हम प्रॉफिट को देखिए और देखिए कि प्रॉफिट में क्या है कि एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। और ऐसी अवस्था में हमको और इस अवस्था में फर्म को नो प्रॉफिट नो लॉस इज, इसके लिए हम जो अल्पकाल में फर्म का संतुलन दिखाए हैं और प्रॉफिट के चित्र को दिखाए हैं सेम उसी तरह बनेगा, केवल वहाँ पे लॉन्ग रन के लिए हर एक जगह एल एम सी एल ए सी एल ए आर एल एम ए आर जोड़ दीजिए, थोड़ी सी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट की रेखा चपटी होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। अब हमें यहाँ अंतर स्पष्ट हो रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्या है, फर्म को दीर्घकाल में कभी भी प्रॉफिट नहीं प्राप्त होगी और लॉस भी नहीं प्राप्त होगा। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वह अपने आप को उस बिंदु पर समायोजित करता है जहां उसे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की प्राप्ति हो रही है, लेकिन एकाधिकारी फर्म चूंकि मार्केट में अकेला विक्रेता होता है, उसके वस्तु के निकट के स्थानापन्न नहीं होते, वह खुद मूल्य का निर्धारण करता है, वो स्वतंत्र होता है और कोई नई फर्म उसके मार्केट में उसके वस्तु के उत्पादन में प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए उसे दीर्घकाल में हमेशा ही लाभ की प्राप्ति होगी,
उसे असामान्य लाभ भी कहते हैं, प्रॉफिट कहेंगे, और इसे हम चित्र द्वारा दिखाएंगे। उसी तरह यहाँ भी एक अधिकारी को प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है दीर्घ काल में, क्योंकि यहाँ भी वस्तु की कीमत ओपी है, यानी वस्तु की एवरेज रेवेन्यू जो है वो एन ही है, और वस्तु का एवरेज कॉस्ट है इवन एन के बराबर या ओपी वन के बराबर। तो हम देख रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू ई एन एंड एवरेज कॉस्ट इक्वल टू इवन एन। तो यहाँ प्रति इकाई कितना प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है ई इवन के बराबर, एंड टोटल प्रॉफिट इस क्षेत्र के बराबर पीई इवन पी वन के बराबर दीर्घ काल में एकाधिकारी को प्राप्त हो रहा है। केवल इतना ध्यान रखिए, अल्पकाल में जब हम चित्र बनाते हैं तो एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट की रेखा जो है वो थोड़े से गोल आकार की होती है, दीर्घ काल में ये चपटी होती है, और एवरेज कॉस्ट के आगे एलएमसी एलएसी ऐसे एल एल जोड़ देने से स्पष्ट हो जाता है कि यह जो चित्र स्पष्ट किए हैं वह दीर्घ काल में फर्म का संतुलन की व्याख्या करता है।